हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सस्ती से सस्ती लिपस्टिक को आप लॉन्ग लास्टिंग वाटर प्रूफ कैसे बना सकते हो। आपको जिस तरीके से मैं बताने वाली हूँ बिल्कुल नया तरीका है और कुछ मैंने अपनी टिप्स लगाई हैं, तो इस तरीके से अगर आप फॉलो करेंगे तो आप चाहे सस्ती लिपस्टिक हो या कोई भी लिपस्टिक हो, इस तरीके से लगाएंगे तो आपके लिप्स भी ख़राब नहीं होंगे और बहुत अच्छे से अप्लाई भी होंगे, लॉन्ग लास्टिंग तक रहेगा। काफ़ी लोगों के पास बजट वाली होती है लिपस्टिक, उतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं वाटर प्रूफ वाला। तो अगर आपके पास कोई भी लिपस्टिक है 10 रुपया 20 रुपया जितनी वाली भी है, तो उसको आप इस तरीके से लगाओगे तो आपके लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे। आप शादी पार्टी कहीं भी जा रहे हो तो आपका दिन भर लिपस्टिक टिका रहेगा, 2 दिन तक तो जाएगा नहीं जब तक आप छोड़ाओगे नहीं। बस इस टिप्स को आप फॉलो करिएगा, तो वीडियो को इन तक ज़रूर देखना और मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो में लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग का यह प्यार देखकर। आप लोग बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने लिप्स पर मॉइस्चराइज़र या फिर अगर आपके पास नारियल तेल है या फिर एलोवेरा जेल है, कोई भी मॉइस्चराइज़र है वो भी आप लेकर अपने लिप्स को अच्छे से स्क्रब करिएगा, ठीक है। आप अपने लिप्स में अच्छे से स्क्रब करें, फिंगर के हेल्प से स्क्रब कर सकते हैं या फिर अगर आपके पास कोई टूथब्रश है तो उससे भी आप हल्का हल्का मोशन में आप हल्के हाथों से स्क्रब कर लीजिएगा। इससे क्या है कि आपके लिप्स में जो भी डेड सेल होते हैं, गंदगी होते हैं, जो भी मौजूद होते हैं इसमें, तो ये आपका निकल जाएगा बहुत ईजी तरीके से और लिप्स भी बहुत नरम और सॉफ्ट हो जाएंगे। तो ये टिप्स आप ज़रूर फॉलो करें। आपके पास कोई भी मॉइस्चराइज़र हो या फिर तेल हो तो आप उससे भी लगाकर आप आराम से इसको स्क्रब कर सकते हो। उसके बाद आप कोई भी टिश्यू पेपर या कपड़ा से, कॉटन के कपड़ा या फिर आपके पास कॉटन हो उससे आप बहुत अच्छी तरीके से साफ़ कर लीजिएगा, तो आपके जो भी डेड सेल्स होंगे, गंदगी होंगे, वो सारा आपका इस टिश्यू पेपर कॉटन में आ जाएंगे। तो इस तरीके से देख सकते हैं मैं भी साफ़ कर रही हूँ और देखिए कॉटन में जो भी गंदगी थी वो आ गई। तो इससे क्या हो गया, आपका लिप्स भी बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज हो गया और सॉफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपको लगा लेना है लिप बाम, क्योंकि स्क्रब करने के बाद लिप्स थोड़ा हार्ड लगते हैं, तो आपको लिप बाम लगा लेने से क्या होगा, लिप्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्चराइजिंग हो जाएंगे और कोई भी जो भी आप लगाओगे लिपस्टिक वो हार्म नहीं करेगा। उसके बाद आपको ये चीज़ स्किप कर भी सकते हो, बट अगर आपका ये जैसे यहाँ पर मैं फाउंडेशन ली हूँ थोड़ा सा बैक हैंड में और लेकर मैं अपने लिप्स पर अप्लाई कर रही हूँ, आप फाउंडेशन या कंसीलर कुछ भी लगा सकते हो, ये आप लगाओ या मत लगाओ, लेकिन इससे लगाने से क्या होगा, जो आपके लिप्स हैं इवन टोन हो जाएंगे। जैसे होता है ना ऊपर की होंठ काली नीचे की थोड़ी पिंक होती हैं, तो इस तरीके से जो अनइवन टोन होते हैं ना वो इवन टोन हो जाएंगे और इससे आपका लिपस्टिक का जो कलर है वो बिल्कुल पता चलेगा अच्छे से। तो इस तरीके से मैंने लगा लिया फाउंडेशन, आप लगाओ या चाहे इसको स्किप भी कर सकते हो। अब बात करते हैं लिप लाइनर की, तो मैं यहाँ पर लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ। आप हमेशा लिप लाइनर अपने लिप के कलर का ही इस्तेमाल करें या फिर आपको जो भी पसंद हो आप वो लगा सकते हो। लिप लाइनर लगाने से क्या होगा, जब आपको एक लिप का जो शेप होता है ना वो आपको मिल जाएगा और जब आप लिपस्टिक को अप्लाई करोगे वो आपका लॉक हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको अपने लिप में एक ड्रॉ कर लेना है, जैसे मैं यहाँ पर कर रही हूँ। आप इसी तरीके से अपने हिसाब से कंफर्टेबल होकर आप अपने लिप को ड्रॉ कर लीजिएगा लिप लाइनर से। तो इस तरीके से करने से बहुत अच्छा लुक आता है आपके लिप्स में और लिपस्टिक के जो लॉक होते हैं वो लग जाते हैं, फैलते नहीं हैं, लगता है कि हाँ लिप का एक शेप है, बिगड़ता नहीं है। तो इसको आप ज़रूर फॉलो करें। लिप लाइनर अगर आपको नहीं आता है लगाने तो इसको आप इस तरीके से लगाएं। आप चाहो तो आपके पास जो भी लिप लाइनर हो आप उसे लगा सकते हो या फिर आप लिपस्टिक से भी लिप लाइनर लगा सकते हो। एक ब्रश के हेल्प से पहले ड्रॉ कर लें, उसके बाद ही आप अपने लिप्स में लिपस्टिक अप्लाई करें। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये बहुत ही सस्ती वाली लिपस्टिक मैं ले रही हूँ, 10 रुपये में ये इजली कोई भी मार्केट में, फुटपाथ में कहीं भी आपको मिल जाता है। तो मैं ये ब्राउन शेड है आप देख सकते हो मैं ये ले रही हूँ, ये बहुत अच्छा पिगमेंटेड नहीं है। आप 10 रुपये वाली लिपस्टिक आपको क्या ही मिलेगी, तो ये देखिए कितना जल्दी मैसी हो गया है। तो इसको मैं अपने लिप्स में अप्लाई करूँगी, तो आप अप्लाई कर ले अपने लिप्स में। और आपको क्या करना है, जिस तरीके से आपने ड्रॉ किया है आपको उसके अंदर अंदर आपको अपने लिप्स में लिपस्टिक को अच्छे से अप्लाई कर लेना है।
तो ये तरीका बहुत अच्छा है गाइस, क्योंकि आप कोई भी लिपस्टिक आप लगाओ तो घबराना नहीं है कि ये लिपस्टिक फैल रही है। तो अक्सर ऐसा होता है ना कि फैलने लगता है, हम खाना खाते हैं, कहीं शादी वगैरह में जाते हैं तो लिपस्टिक बहुत जल्दी निकल जाती है, लेकिन इस तरीका से अगर आप फॉलो करोगे तो आपकी लिपस्टिक नहीं जाएगी। आप खाना खाओ या कुछ भी खाओ तो आपकी लिपस्टिक रहेगी। तो इस तरीके से मैंने बहुत अच्छे से अप्लाई कर लिया है, तो ये बहुत हार्ड लिपस्टिक है और बहुत जल्दी मैसी हो रही थी, तो बहुत मुश्किल लग रहा था लगाने में। आप देख सकते हो ये मैंने बैक हैंड में किया तो ये तुरंत ट्रांसफ़र हो गई। ये देखिए कितना ज़्यादा एकदम मैशी है। तो करना क्या है आपको, आपके पास तो आई शेडो हो गई, अक्सर सारी लड़कियों पास आई शेडो होती ही हैं, तो उस कलर के आई शेडो आप लगा लो जो कलर के आपके लिपस्टिक हैं मतलब कलर के आपको आई शेडो लगा लेनी है। अगर आपके पास आई शेडो नहीं है तो फिर आप क्या करो, कॉम्पैक्ट पाउडर हो या फिर लूज पाउडर हो, कोई भी पाउडर हो, आपको हल्का हल्का डस्ट करके अपने लिपस्टिक के ऊपर अप्लाई कर लेना है। तो इससे क्या होगा कि आपके जो लिपस्टिक है बहुत अच्छे से ये मैट हो जाएंगे और वाटर प्रूफ हो जाएंगे और ये मैसी नहीं होगा, एकदम से लॉक हो जाएगा। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से ये लॉक हो जाता है। अब मैं इसको देखती हूँ ये ट्रांसफ़र हो रही है या नहीं हो रही है। तो देखिए आपको बैक हैंड में दिखा रही हूँ, देख सकते हैं ये बिल्कुल भी ट्रांसफ़र नहीं हुई उसके बाद। तो इस तरीके से आप अपने सस्ते सस्ते लिपस्टिक को लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हो। अब मैं देती हूँ इसको एक नया लुक। तो इसको नया लुक देने के लिए आप कंसीलर या फाउंडेशन को अपने लिप्स के सेंटर पार्ट में रख ले, रखने के बाद इसको हल्का हल्का डैप करिएगा, तो ये एक न्यूड सा अभी चल रहा है ना, वो आपका एक लुक क्रिएट होकर आएगा। तो मैं इस तरीके से सेंटर में रख कर अपने फिंगर के हेल्प से और इस तरीके से माउथ को अप डाउन करके मैंने इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। तो आप देख सकते हैं ये भी कितना प्यारा लुक आया है। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट है, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, आप सब खुश रहिए।